मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है। मेरे भांजे का ईद के दिन 9 बजे के टाइम पर किडनैप कर लिए वो लोग। उनके साथ में एक दो बच्चे और है, तो वो दोनों बच्चों को ज़्यादा मारे, हमारे बच्चे को तो जान से ही मार दिए। और रात में 3 से 4 बजे के दरमियान में पीएसए कॉल आया हम लोग को, कुलसुमपुरा पीएस। वो लोग बोले कि आपके लड़के लोग कहाँ रहते हैं, ऐसा बोल के पूछे। तो हम लोग वहाँ पर सीधा गए पीएस ऊपर, ये केसीआर साहब के डबल बेडरूम के जो रूम्स है ऊपर 5th फ्लोर के पास में टेरिस पे, वो लोग को बच्चों को मार के नीचे डाल दिए। तो हम लोग वहाँ गए, तो जाके देखने के बाद में देखे तो हमारा बच्चा, बोल के हम लोग शनाख्त करे। शनाख्त करने के बाद में पीएसए फिर आए, आके ले जाने के बाद में यहाँ पर उस्मानिया हॉस्पिटल को लेकर आए हम लोग। उस्मानिया हॉस्पिटल को लेकर आने के बाद में 9:52 को वो लोग बोले कि इंतकाल हो गया बोलकर। ये कोई उनके कोई दूसरे बच्चे है जिसका नाम एक का है महेश नाम बोलकर है, मेरे पास फ़ोन में ट्रू कॉलर है, वो नंबर में आया था महेश नाम का लड़का। पैसों का हरासमेंट कर रहा था। पुरानी दुश्मनी वगैरह थी? नहीं नहीं, बच्चे किसकी दुश्मनी नहीं, 15 साल का बच्चा किससे दुश्मनी करेंगे भैया। क्या नाम था बच्चे का? मोहम्मद सोहेल। क्या काम करते हैं? ये अपने ग्लास का रहता ना, ग्लास कटिंग का काम करते थे। नशे वशे की आदत थी क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर क्या वजह से मारे मारने की? पता नहीं है भैया, हम लोग को भी, हम लोग भी बोइनपल्ली में रहते हैं, हम लोग भी, हमारे भाई ने ऐसा फोन करे तो हम लोग इधर आए। बच्चे का मकान कहाँ है? सैयद अली गोड़ा आसिफ नगर में। तो कैसा क्या करके मारे बच्चे को? वो बच्चे को बहुत मारे, मार के उसको पानी, बच्चा जब पूछ रहा था वो लोग पेट्रोल पिलाए, पानी नहीं पिलाकर पेट्रोल पिलाए, पेट्रोल पिला पिला के मार के हम लोग जाके लेकर आने के बाद में देखे तो थोड़ा सांस चल रहा था। फिर उसके बाद में यहाँ पर आके पीएस यहाँ पर हॉस्पिटल में आके देखे तो बोले कि नहीं भाई बच्चा नहीं है, बसता इंतकाल हो गया। एक दीपक बोल के लड़का एक है, एक और एक लड़का है, उसका नाम नहीं मालूम मुझे। तो दीपक कैसे है अभी? दीपक भी सीरियस है, उसको बहुत मारा लगे, पूरा ये मार के पूरा मुँह फोड़ दिया उसका। बच्चा भी वहीं है, वो भी बयान देता हूँ बोल के बोल रहा है बच्चा। बच्चे को भी मारना पड़ेगा? हमारे बच्चे को बहुत लगे, हाथा पैरा तोड़ दिए, ये पीछे की पूरे मन का तोड़ दिए, हाथा पैरा पूरा तोड़ दिए, हर तरफ जहाँ भी देखे पूरे निशान है, हड्डियाँ टूटे हुए। तीन जगह पे लेके मारे? और वो अपने कुलसुमपुरा पीएस के पास में एक दरगाह है, वहाँ पर कैमरे लगे हुए है। कैमरे में एक लेडीज अभी बात कर रहे थे कि बोले कि क्या कैमरे में पूरा दिख रहा है, आप लोग जाके कैमरा चेक करना है तो आप लोग कैमरे भी चेक कर सकते हैं बोल के बताए। अभी अभी एक लेडीज आए थे, वो लोग भी हेल्प करें हमारी। हैदराबाद पुलिस के कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, छोटा बच्चा है 15 साल का, आप बहुत ज़्यादा हेल्प करें तो मेहरबानी। कुलसुमपुरा पीएस के है। कब से मिसिंग था बच्चा आपका? ये ईद के दिन 9 बजे से। तो आप लोग कंप्लेंट कराए फिर? नहीं, 24 घंटे के बाद मैं कंप्लेंट लेते बोल के बोले। कौन सा पीएस वाले बोले? ये अपने आसिफ नगर पीएस के करीब में। तो 24 घंटे के बाद फिर गए? हम लोग नहीं गए, ढूंढने लेके निकले हम लोग जी। हम लोग भी 2 बजे रात को मालूम हो गया कि हमको ऐसा पीएसए कॉल आया कुलसुमपुरा पीएसए। बच्चा क्या बोल के निकला था आपको घर से? हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि ईद मिलने के लिए, दोस्तों के साथ बोल के निकला था।